दिन कह रहे थे कि जब तक अच्छी कोचिंग क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी हम समोसे का एक बाइट नहीं लेंगे. अब क्या हुआ? हम गए थे ना लेने के लिए एडमिशन. ये मेरा भाई, ये खाना मेरा भाई. कहानी मैं तुम लोगों को बताता हूँ. सुबह का सूरज सर पे चढ़ चुका था, उसकी किरणें चेहरे पर नतमस्तक हो ही गई थी कि ग्रीटिंग्स स्टेटिस्टिक्स. लेट मी स्टार्ट विद एवरी चाइल्ड इज स्पेशल टाइप की घिसी पिटी बात, सो दैट तुम्हारे जैसे जाते प्लेन को बाय बोलने वाले ब्रेन्स ओवरवेल्म होके इंप्रेस हो सके. मैथमेटिकली इनकरेक्ट सक्सेस ग्राफ. हम लोग सिर्फ टॉपर्स को सीट नहीं दिलाते, हम एवरेज स्टूडेंट्स को भी सीट नहीं दिलाते. इनफैक्ट हम किसी को भी सीट्स नहीं दिलाते, हम सिर्फ पैसे कमाते हैं. वाओ, यानी आप हमारे माँ बाप के खून पसीने की कमाई का कॉकटेल बनाकर पी जाने वाले हैं? हाँ, लेकिन जब तक हम उसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खून पसीना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, टॉर्चर, सफरिंग ऐड ना कर दे तब तक टेस्ट थोड़ी ना आएगा. मैं तुम लोगों को जेनरिक नाम से बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हारे नामों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. तो बेटा तू तो मेरे मुंह के लायक ही नहीं है. थैंक यू सर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम जमीन में धस गई. हाँ सर, मैं भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. तुम्हारी फोटो जो है ब्रोशर में प्रोग्रेसिव वाइब क्रिएट करने के काम आएगी, और तो तुम किसी काम की लग नहीं रही हो. और तो और सर, मेरी फैमिली चाहती थी कि उनका बेटा जो उदय जैसा हो. सर बस, मैं कभी अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में अंपायर नहीं बना क्योंकि मुझे टोपी पहनाने का शौक है, पहनने का नहीं. फेंकने में तो आपने नीरज चोपड़ा को भी फेल कर दिया उदय जी. वैभव की मम्मी सिर्फ हमारा नाम लेती है. एक्चुअल में सर, सर प्लीज 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 सर मुझे भी ले लो सर. मैं कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर हूँ सर, IIT जाकर ही मेन कैरेक्टर बन पाऊंगा. शिकायत का मौका जरूर दूंगा सर, ले लो ना प्लीज. अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं इन दोनों को एडमिशन दिलाने गई तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मंद मंद हवाओं की साई में, घने बादलों के नीचे अचानक हाँ जी, चिल्ला चिल्ला के दूसरी बड़ी कोचिंग सेंटर्स की बिचिंग करूंगा, फिर मेड अप स्टैट्स दूंगा. तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हें चाहिए एक पर्सनल टच. मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी होली, दिवाली, छठ पूजा, गांधी जयंती, कैरमल पॉपकॉर्न डे सब इन चार दीवारियों के अंदर कैद होके गुजरे हैं. इतनी पढ़ाई के बारे में सुन के मुझे इतना मजा आ रहा है. अरे नर्ड कैरेक्टर हूं ना मैं भी. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुम्हारे कान में जाके आंसर डिस्कस करूंगा, किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं. समझे? इमोशनल. अब ये देखो, 4:30 बजे मैथ्स धनसर, 5:30 बजे इनऑर्गेनिक डांसर, 7 बजे से फिजिक्स धन डांसर, और फिर 1.5 मिनट का ब्रेकफास्ट ब्रेक, उसके बाद से 12 घंटे का स्ट्रेस पीरियड. फैकल्टी की चाटने में मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी. कितनी भी चाट, पैसे तो पूरे लूंगा मैं. अरे फैकल्टी क्या, यहाँ तो झाड़ू मारने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे. अगर झाड़ू पोछा करने के लिए एम्प्लॉई रख लिए तो तुम लोग क्या करोगे? पढ़ाई. अब डिस्ट्रैक्शन नंबर ये देखो, जब तक तुम मेरे भांजे के बनाए सर्टिफिकेट की जांच करोगे मैं हल्के से आके कान में पैकेज डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि लेडीज स्पेशल 50% डिस्काउंट है अपने पास. और अगर IIT क्लियर ना हुआ तो लड़का मैं लाऊंगा. मैं खुद को आ रहा हूँ, तुम भी हो क्या? शादी करा दूंगा. जी हाँ, टर्न्स आउट वो कोचिंग क्लास कम और शादी का हॉल ज्यादा है. हमें कुंडलियां मांगने लगे यार हमसे. हमारे माँ बाप हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने को बोलते हैं और इन कोटा वालों के डॉक्टर इंजीनियर बनाने को. मुझे लगता है मामा जी का ऊँट का व्यापार संभालना पड़ेगा. स्टीरियोटाइप दिल्ली बॉय बनना पड़ेगा. ए, मेरे बाप को जानती है? मुझे क्या, मैं तो मेडिकल वाली हूँ ना, मेरा तो सेट है. मतलब IIT वाला सपना अधूरा रह जाएगा. IIT का सपना और यहाँ का समोसा कभी अधूरा नहीं रह सकता. मैं मेंटोर कैरेक्टर आप सबको अगले सीन में ले जाने के लिए आएंगे. क्या आपने उनके बारे में नहीं सुना? वो जो छात्रों को विज्ञान और ज्ञान दोनों की प्राप्ति कराते हैं ताकि तुम जैसे लूजर्स भी IITians बन सको. जिनकी बातें सुनकर न्यूट्रॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिनकी उंगलियों पर उनके चाहने वाले बेंजीन की रिंग डालना चाहते हैं, और जिनको देखकर नोबल गैस भी रिएक्ट करने लगती है. पहले वाले में ही समझ गए थे.
अरे पर ये है कौन? वेलकम टू एमर्स। हाँ तो भाई बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? अरे भैया आप? हाँ भैया, अब आप भी क्लेम स्टार्ट कर दीजिए। अब आप क्या कितने एफडी और किडनी दान देने पड़ेंगे? अच्छा मतलब चक्कर लग गए सब जगह। बैठो बैठो। अरे बैठो आराम से। क्या क्या सुना? 100% सिलेक्शन गारंटीड, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, सालों की हिस्ट्री। अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड है वो भी खाली पड़ा रहता है, बाकी कोचिंग वाले ऐड लगा के जाते हैं अपना। ऐड तो मुझे भी बनना है फिर सर। बस इतना छोटा सपना, इसलिए चले आए कोटा। माँ बाप भाई बहन सब छोड़ छाड़ के। स्टैट्स पसंद है ना तुम लोगों को? 0.92% लोगों का होता है आईटी में। मतलब 99.08% लोग फेल हो जाते हैं। हाँ जी ये वैसा ही है, पर वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, ये आईटी का एक एग्जाम निकाला और लाइफ इजी हो जाएगी? लाइफ इजी होती मेहनती लोगों की। अब अगर 100% सिलेक्शन गारंटीड चाहिए तो वो तो कोई भी करा देगा, दुनिया भर के खुले पड़े। और मेहनत करना सीखना है तो आ जाओ, इंस्टीट्यूट है, फैक्ट्री नहीं। चलो निकालो अपनी कॉपियां। अरे क्या हुआ, पढ़ाई कोई टाइम और जगह थोड़ी होती है, यही सत्य है।